और फाइव फाइव का आंसर आ जाएगा 5/2।
5 dash 0 decimal and 5 of question number. Question jo aapka hai ye question number 2 3 or 5 mal kar chuke hai question number jo aapka assignment hai question number 2 3 4 okay 2 3 4 nahi hai 2 3 5 4 mein aapko alag se kar dena hoga ye aapka assignment hai isme subject conversion hai कन्वर्जन कॉमन फ्रैक्शन को जब आप डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड करते हैं और जब आप डेसिमल को कॉमन में करते हैं तो पॉइंट को हटा के प्लस वैल्यू अप्लाई करते हैं अकाउंट में जितने नंबर होंगे उतने ही जीरो पॉइंट के बाद जितने नंबर होंगे उतने ही जीरो अप्लाई किए जाते हैं और डेसिमल पॉइंट के नीचे जो पॉइंट दिया गया है वो उसके नीचे आप वन अप्लाई करेंगे अगर कैंसिलेशन हो सकती है कॉमन टेबल दोनों का है तो कैंसिल करेंगे अदरवाइज इसको ही छोड़ेंगे सही नंबर दिया है 2.50 या पॉइंट के बाद अपने पॉइंट से पॉइंट नीचे बने ला दिया और जितने भी डिजिट थे सबकी प्लेस वैल्यू अप्लाई कर दी गई क्योंकि पहले डिजिट की जगह 1 10 फिर ये 100 है तो 100 लेगा अगर एक और नंबर होगा तो 1000 का स्पेस ठीक है बेटा दिया जा सकता है तो डेसिमल को यहां पे कॉमन फ्रैक्शन के अंदर रेशन नंबर भी कन्वर्ट कर दिया उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 2 3 एंड 5 ये आपका ऑफर के चल रहा अगले क्लास के क्वेश्चन नंबर 4 को जरा तफसील के साथ डिस्कस करेंगे तो थोड़ा सा इससे अलग है ठीक है लास्ट में सब लोग ध्यान रखिएगा तो ऑफिस में